जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, मैं आपका दोस्त दा गुरु आपके अपने चैनल दा गुरु वी लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की जो ये हमारी वीडियो है, इसमें आपको जो भी 20 मई का इतिहास होगा, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, वो आपको बारी बारी से बताए जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। 20 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं। 20 मई 1995 को रूस द्वारा मानव रहित अंतरिक्ष स्पेक्ट्र का सफल परीक्षण हुआ था। 20 मई 1999 को कुद्र विद्रोही नेता सैमडिम साकिक को मृत्युदंड की सजा दी गई थी। 20 मई सन 2000 को फिजी में बंदूकधारियों के नेता जॉर्ज स्पेक्टर ने देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 20 मई सन 2001 को अफगानिस्तान में तालिबान के 20 मई सन 2001 को अफगानिस्तान में तालिबान ने हिंदुओं को अलग पहचान के लिए एक ट्रेड कोड बनाया था। सन 2003 में पाकिस्तान ने उग्रवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सन 2004 ताइवान में नवगठित सरकार ने शपथ ग्रहण की। यूरोपीय संघ के बाद अमेरिका ने भी कृषि निर्यात सब्सिडी कम करने की घोषणा की। सन 2006 20 मई सन 2006 को चीन ने कहा ताइवान विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्य का पात्र नहीं है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तथ्य हैं। सन 2006 को चीन ने कहा था ताइवान विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य का पात्र नहीं है। सन 2011 20 मई सन 2011 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मध्य प्रदेश के बीना में हजारों करोड़ों की लागत से बनी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की। यह भारत पेट्रोलियम लिमिटेड ओमान ऑयल कंपनी तथा मध्य प्रदेश के प्रयासों से बनी विश्व स्तरीय परियोजना है। 20 मई सन 2011 झारखंड की पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज महिला होने का गौरव हासिल करते हुए पर्वतारोही के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सन 2011 को एक पर्वतारोही थी प्रेमलता अग्रवाल, दुनिया की जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, उस पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला होने का उन्होंने इतिहास रचा था। अब देखते हैं 20 मई को कौन कौन व्यक्ति जन्मे हैं उनके बारे में जानते हैं। 20 मई सन 1941 गोह चोक टोंग सिंगापुर के दूसरे प्रधानमंत्री जो थे उनका आज जन्म हुआ था आज के दिन। 20 मई सन 1926 को गोदे मुहरी मुरहारी का जन्म हुआ था। ये 6वीं लोकसभा में लोकसभा उपाध्यक्ष थे। 20 मई 1918 को पीरू सिंह का जन्म हुआ था। यह भारतीय सेना के वीर अमर शहीद में से एक थे। सन 1900 सुमित्रानंदन पंत जो प्रसिद्ध कवि हैं उनका आज जन्म हुआ था आज के दिन। ये सुमित्रानंदन जो पंत हैं ये एक मेल हैं। 1910 राम किंकर बेज का जन्म हुआ था। पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकारक हैं। 20 मई को जिन जिन का निधन हुआ था उनके बारे में आज हम जानेंगे। 1966 मल्हार राव होलकर 1766 को इनका जन्म हुआ था। यह इंदौर के होलर वंश के प्रवर्तक थे।
1994, 20 मई 1994 को कासू ब्रह्मानंद रेड्डी का निधन हुआ था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। 1932, 20 मई 1932 को बिपिन चंद्र पाल का निधन हुआ था। भारत में क्रांतिकारी विचारों के ये जनक थे। 1957, टी प्रकाशम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और आंध्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनका आज के दिन निधन हुआ था। 1972, गया प्रसाद शुक्ल, इनका उपनाम था स्नेही, इनका आज के दिन निधन हुआ था। यह ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि थे। 1912, लीला दुबे जी का आज के दिन निधन हुआ था। यह प्रसिद्ध मानव विज्ञानी और नारीवादी विद्वान थे। 1929, राजकुमार शुक्ल का निधन हुआ था। यह स्वतंत्रता सेनानी थे एवं चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख लोगों में से एक थे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।